ये देखिए रेनू मेरा साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मेरी तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, मतलब आज तो ठीक है लेकिन कल तो ज्यादा खराब थी। एंड सभी चले गए हैं, मामा जी रेनू चले गए थे, रेनू को कल मैं छोड़ने भी गई थी। और आज तो बहुत ज्यादा सर्दी हो रखी है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का मौसम, बाहर का तो आप पूछो ही क्या, इतनी फोग आ रखी है। दिखा रही हूँ, चलो आपको देखो, गेट रहा ये, बाहर निकलने का मतलब मैं हिम्मत कर रही हूँ बाहर निकलने की, पर निकलने वाला मौसम है नहीं। ये देखो, ओ माई गॉड, बहुत ज्यादा ठंड है, कुछ दिख ही नहीं रहा आज तो, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखो, ए भगवान, नहीं देखो वहां पे गाड़ी की लाइट्स भी नहीं दिख रही, थोड़ी सी दूर है। आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी लेकिन बहुत ज्यादा, बाहर तो निकलो ही मत। मम्मी मम्मी कड़े, मम्मी पता नहीं कहाँ, मम्मी देख लो, मम्मी कितनी हिम्मत, इतनी सर्दी में भी काम करती है मम्मी। ये रही मम्मी, मम्मी कितनी सर्दी आज देखो, मेरी मम्मी इतनी सर्दी में भी काम कर रही है। कुछ नहीं दिख रहा, बस फोग ही फोग, फोग फोग फोग। ये देखो गॉड, मैं तो अंदर जा रही हूँ, ब्लॉग बनाना मुमकिन नहीं है, यहाँ पे बाहर निकलना ही बहुत हिम्मत का काम है, कुछ भी नहीं दिख रहा। और ना अब ना आगे से ऐसे ही होगा कि मतलब धूप तो, सूरज तो निकलेगा ही नहीं, कई बार कुछ कुछ टाइम कभी निकल जाएगा और कभी नहीं निकलेगा, बस ऐसे ही रहेगा पूरा सर्दी, 9 महीने तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। और बस अंदर घुसे रहो, बस ठीक है, गेट बंद कर दिए दोनों, इसलिए दोनों गेट बंद कर दिए ना, इसलिए यहाँ पे इतनी वो नहीं है, मतलब पापा खड़े हैं वहां पे बाल्टी लिए, इतनी सर्दी में भी सुबह सुबह उठने की तैयारी। और ये बोल रहे हैं कि ये सर्दी वाला मौसम ना अच्छा होता है, तो ये ऐसी सर्दी आनी जरूरी है चनों के लिए, तो स्पेशली चनों के लिए ज्यादा अच्छा होता है ये इंसान। गाइस, तो अभी देखो रेनू जाने की तैयारी कर रही है अपने ससुराल, मेहंदी लगा रही है। हाय गाइस, मेहंदी लगा रही है और इसकी खुशी देखो जाने की स्माइल, चाव चढ़ा हुआ है इसको। तो ओहो आगे अरे देखो गाइस, मेहंदी कितनी सुंदर लगा रही है, मेली देख ली, अरे ये रेनू ने खुद ने लगाई थी, दिखा टोटल पूरा करी मत, अच्छी है, फोटो ना खींचे। ये देखो अंशु लगाने आई है, आज मामा भी जी भी चले गए और कल ये चली जाएगी, फिर मैं रहूंगी अकेली, मौज हो जाएगी है। यस, मेरा ही मेरा राज रहेगा। मामा जी और आईना भी ये जाने की तैयारी कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, और ये भी जा रहे हैं आज। और यहाँ पे रेनू है, कुछ काम के लिए आई थी। हे गाइस, तो ये देखो इसको चढ़ाने की तैयारियां कर रही है मम्मी रेनू को, और मैं भी जाऊंगी इसके साथ में क्योंकि राजगढ़ वगैरह थोड़ी शॉपिंग करनी है इसलिए। ये देखो गाइस, चाची रेनू को चढ़ाने आई है और माँ ये देखो, ये देखो माँ का गला खराब हो रखा है और माँ से चुप रहा नहीं जा रहा बोलो माँ जोर लगा के बोल रहे माँ। यहाँ पे हम लोग बस का वेट कर रहे हैं और यहाँ बस आ नहीं रही है, पता नहीं निकलेगी रेनू की ट्रेन की नहीं। ये रही रेनू माँ, जोड़े वगैरह खरीद रहे हैं दरवाजे वाली दुकान पे, अगर राजगढ़ से कोई बिलोंग करता है तो वो जरूर जानता होगा इस दुकान को, काफी अच्छा सामान मिलता है इस दुकान पे, हम इस दुकान से लेके आते हैं। और फिर हम गए सोनार की दुकान की भी, कुछ पायल वगैरह लेनी थी इसलिए,
और ये भी हम मार्केट में दुकान है उसी पे गए थे, शॉप में, काफ़ी बड़ी शॉप है ये। एंड ये पायल के डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ मैं। आपको कैसे लग रहे हैं डिज़ाइन बताना एक बार। मुझे तो एक दो बहुत अच्छे लगे थे, ये वाला भी बहुत अच्छा था, पर ये थोड़ा सा हैवी में हो जाता इसलिए नहीं लेके आई ये। और रेनू ने अपना मंगलसूत्र भी ठीक करवाया था, वो थोड़ा सा टूट गया था इसलिए। और ये चांदी के बर्तन वगैरह हैं, और चांदी का यहाँ पे पर्स भी दिख रहा होगा आपको, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये पर्स। पता नहीं कौन लेता भी होगा इसको, पर्स को, चांदी के पर्स को कोई तो लेता ही होगा। और ये रेनू ने अपनी चैन वगैरह ली थी मंगलसूत्र के लिए। और फिर हम लोग कपड़े की दुकान पे गए थे, थोड़े बहुत अस्त्र वगैरह लेने थे, ज़्यादा तो हमने कुछ नहीं लिया। ये जो ब्राइड है उसके लहंगे वगैरह पड़े थे। फिर हमने कचौरी खाई थी, भूख लगी थी इसलिए। ये रही रेनू, और अब हम जाएंगे रेनू को चढ़ाने रेलवे स्टेशन। दुकान में थे तो यहाँ की जो कचौरी वो फेमस है, हमने चला चलो खा ही लेते हैं, भूख भी लगी हुई थी इसलिए। ये देखिए रेनू, मेरा सादुलपुर स्टेशन। अब इंटर करेगी, शॉपिंग भी कर ली इस लड़की ने। खाली पड़ा है वैसे तो, आज भीड़ नहीं है, 1 घंटा बाकी अभी तो आने में। और मैं जाऊंगी मेरे कॉलेज यहाँ से, और ये यहीं पे वेट करेगी। हाँ क्या, 4 नंबर पाओगे ना तेरी तो? 1 नंबर। अच्छा हाँ, तो ये मैं साथ में लेके जा रही हूँ, इसने छीन लिया मेरे से। इसमें घी है और अचार डाल रखा है इसमें। बाय टाटा, सी यू, बाय।